प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर पेड़ों में बहुत ज्यादा दर्द का एहसास होता है, जो कि कई बार बहुत ज्यादा असहनीय हो जाता है। और जब भी कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद भी ये पेड़ों का दर्द उसकी जान निकालने के लिए तुला रहता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी बच्चे को जन्म दें तो उसके बाद इस दर्द का उपचार जरूर करें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के जरिए कि जब भी आप प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को जन्म देती हैं, उसके बाद पेड़ों के होने वाले दर्द को आप किस तरीके से रोक सकते हैं। टिप नंबर 1, पेड़ों के दर्द को कम करने के लिए स्पेशल एक्सरसाइज बनाई गई है, जैसे कि हिप एक्सरसाइज। हिप एक्सरसाइज करने से पेड़ों के दर्द में काफी हद तक आराम मिल जाता है। टिप नंबर 2, अगर पेड़ों का दर्द कुछ ज्यादा ही है तो स्विमिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन स्विमिंग करने के लिए आपकी बॉडी अच्छे तरीके से स्टेबल होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को सही तरीके से फिट मान रही हैं, तो डॉक्टर से एक बार चेकअप कराइए और सलाह लीजिए कि क्या आप स्विमिंग कर सकती हैं या फिर नहीं। टिप नंबर 3, कई बार बैक पेन और पेड़ों का दर्द जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और इसे रोकने के लिए आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से बैक पेन और पेड़ों के दर्द दोनों में ही राहत मिलती है। So, दोस्तों, ये है कुछ आसान से तरीके पेड़ों के दर्द को कम करने के लिए डिलीवरी के बाद। इन्हें ट्राई जरूर करिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।